हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने अपनी जो भी चीजें बताई, जो भी सिचुएशन बताई, आप लोगों ने इस पे प्यार दिया और चीजों को समझा और अच्छे से मतलब उस पे बोला एंड बहुत कुछ समझाया। और उसी वीडियो में मैंने एक कमेंट करा था, आप लोगों से पूछा था कि अब मुझे या किंजल हम दोनों को क्या करना चाहिए, कि अब ये मेरे घर पे रुक ही जाए या फिर हम कहीं और रहें। तो गाइस, आप सभी के जितने भी आप फैमिली हो हमारी, आप सभी के एक ही जवाब आया है एंड मुझे पता था कि यही जवाब आएगा भी। आप सभी ने यही बोला कि आप भाई अब दोनों साथ में मतलब मेरे घर पे अच्छे से रहो और खुश रहो एंड चीजों को धीरे धीरे ठीक करो। तो यार मुझे भी लगा कि बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि यार अगर हम दोनों कहीं बाहर जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसके लिए फिर रूम रेंट, फिर उसका अलग किराया, फिर उसके लिए मुझे हर चीज काम वगैरह भी करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे चीजें जोड़नी होंगी एंड फिर उन सब चीजों में मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेंगी। किंजल को भी अकेला घर पे छोड़ना, ये सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं रहेंगी। तो मैंने भी यही डिसीजन लिया है कि हम घर पे रुक जाएंगे। तो इस चक्कर से मैंने घर वालों से बात करा कल पूरे टाइम अच्छे से कि क्या करूं मैं, आप बता दो खुद ही, क्योंकि फैमिली का यस और नो होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए मैंने बात करा कल फैमिली से, क्योंकि हमसे ज्यादा ना फैमिली ही फेस करती है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, तो हमसे ज्यादा उन लोगों को ही बातें सुनने को मिलती है। सो वही था कि मैंने पापा मम्मी को बिठाया एक जगह आराम से, फिर सारी चीजें बताई एंड मैंने ये पूछा कि मुझे बता दो हम क्या करें। तो फैमिली ने सीधा यही बोला है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं एंड कुछ भी है, क्योंकि फैमिली का मानना ये है कि अगर बच्चे खुश हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीजें थी, तो फैमिली को मैंने सारी चीजें बताई तो उन्होंने यही बोला है कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंजल अकेली है और दूसरे घर की लड़की है, चाहे दूसरे घर की हो या अपने घर की लड़की हो, उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फैमिली ने यही बोला है कि तुम अब यहीं रहो। तो बस गाइस, ये सारी चीजें बात हुई बहुत, तो घर वालों ने बोल दिया और बेसिकली अभी किंजल की फैमिली का ना हाँ दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ तो कभी अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, आई होप किंजल की फैमिली ये चीज देख रही होगी, तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता कि क्या कब क्या होगा, लेकिन तुझे रोने की जरूरत क्या है ये बता। लेकिन फैमिली ने ये बोला है कि मैं मतलब पापा ने यही बोला है कि अभी मैं धीरे धीरे बात करता रहूंगा, देखते हैं कब तक मानते हैं, अगर मान गए तो अच्छी बात है, फिर अच्छे से हम दोनों की शादी वगैरह जो भी चीज है वो अच्छे से कराएंगे। एंड ये भी बोला है कि जो जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना तुम्हें लोगों को पढ़ना चाहिए। तो बस यही सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू सो मच, आप सभी के वजह से हम दोनों को इतना मतलब एक तरीके से ना यार थैंक यू। ये है कि घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो हमें इससे ना बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे कौन काम आया, कितने फेक पीपल थे हमारी लाइफ में और कितने रियल लोग थे हमारी लाइफ में, हमें बहुत लोगों से जुड़े हम और बहुत लोगों से हम अलग भी हो गए, क्योंकि हम जिन्हें अपना सगा समझते थे हमारे एंड टाइम पे हमारे वो काम भी नहीं आए, वो ये निकले ऐसे ऐसे वाले, मतलब एक तरीके से मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह भी थे, बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कभी भी ना इन चीजों में मुझे, मैं आज आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी वो काम आपके नहीं आने वाले होते हैं। कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं जो हर वक्त काम आते हैं, हर सिचुएशन में काम आते हैं, लेकिन जब हमारे पास घर भी नहीं था, हम बस गए थे, तो हम लोगों ने रोडों में बिताया दिन, हर जगह ऐसे ही करा, हमने वो पूरा शो नहीं किया आप लोगों, क्योंकि हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर चीज यार सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, इस वजह से हम हर चीजें नहीं दिखा सकते हैं, और जो भी बात हुई अब आप सोचोगे कि वो भी दिखाओ, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना। तो आप लोग वैसे समझदार हैं कि जो चीजें सही है वो चीज हम आपको दिखा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब जो भी चीजें हैं अभी, अब किंजल यहीं पर रहेगी मेरे साथ यहाँ पे घर पे, एंड जो भी जैसा रहेगा वो सारी चीजें आप लोगों को डेली ब्लॉग्स के थ्रू आपको 9 बजे रात में मिल जाए करेंगी। तो आप लोग बस अपना प्यार बनाओ और जो भी चीजें हैं हम आपसे शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। अगर मम्मी पापा आप व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो, प्लीज ये चीजें ठीक हो जाए जल्दी से, और लोगों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं यार, तो आप लोग भी हाँ बोल दो जल्दी से, है ना। और गाइस मैं ये भी पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मुझसे जितना हेल्प हो सकता है
या मतलब जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना अपना 100% दूंगी राज की फैमिली को, क्योंकि ये सब मेरे लिए न्यू है, मैंने आज तक नहीं किया है। ये तो मेरी भी, जैसे राज की फैमिली छोटी सी है, मेरी फैमिली भी बहुत छोटी सी है, और मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी यार, मैं पूरा अपना 100% दूंगी कि उन लोगों को मेरे से कोई शिकायत ना हो, मेरे से कोई तकलीफ ना हो। और अभी भी मतलब घर वाले अंदर है बैठे हुए, इस वजह से मैंने थोड़ा बोला कि आप लोगों को बताना भी जरूरी था, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ बाहर वीडियो बना रहा हूँ। तो बस बाकी यही था, एंड आप लोग को कैसा लगा ये डिसीजन हमारा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। एंड जो भी चीजें हैं, आप लोग जो भी अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं, आप अपने कमेंट्स में मतलब जो भी है आप शेयर जरूर करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड बस अपना ध्यान रखें, घर पे सेफ रहें, और प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना फैमिली का साथ ना बहुत जरूरी है। और हाँ, हम किसी को ये शिक्षा नहीं दे रहे कि आप घर से भाग जाओ अगर घर वाले नहीं माने, तो बस आप एंड तक मनाओ जो हमने किया था, हम एंड तक मनाते रहे। लेकिन कुछ सिचुएशन हमारी में अलग पैदा हो गई थी जिससे हमें जाना पड़ा था। सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो यार प्लीज ये मत सोचना कि हम आप लोगों को सिखा रहे कि घर से भाग जाओ, ये करो वो करो, तो प्लीज ऐसा मत करना। आप अपने पार्टनर के साथ उनकी उनकी प्रॉब्लम को समझना, अपनी फैमिली को समझना, हर एक चीज समझना। तो गाइस बस अब इस वीडियो के थ्रू हम इस वीडियो से आप लोगों को जो हमारा डिसीजन था वो आपको बता दिया है। तो अब से जो भी रहेगा, जो भी चीजें होएगा, जो भी चीजें, क्योंकि मुझे सब कुछ शुरुआत से शुरुआत करना है, ठीक है, कि थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो अब जो भी रहेगा हो गया, हम लोगों ने कुछ भी अच्छे से नहीं सेलिब्रेट किया, हर चीज हमने परिवार के बिना ही सेलिब्रेट किया, तो कुछ खुशियां हम अपने परिवार के साथ देखते हैं। तो सर गाइस जो भी रहेगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे, बस आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। तो गाइस बस आपको हर रात 9 बजे हमारे ब्लॉग्स जो भी रहेगा आपको मिल जाएंगे, एंड बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एंड आपको जितना थैंक यू बोलूं बहुत ही कम है। और लव यू ऑल, एंड अगेन एक बार और सॉरी जो मैंने गलती करी। अपना ध्यान रखिए, घर पे सेफ रहिए, एंड लव यू ऑल।